हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक सब्जी, आलू टिंडे की सब्जी। और देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। ये मैंने लिया है पानी, 1.5 कप पानी लेंगे ग्रेवी के लिए। और ये मैंने लिया है 1 गुच्छा धनिया, उसे मैंने अच्छे से साफ करके कट कर लिया है। और ये मैंने लिया 250 ग्राम आलू बटाटा और 250 ग्राम टिंडा लिया है मैंने। और दूधी के जैसे आता है ये, बिल्कुल दिखता है, गोला रहता है, तो मैंने इसे छिलके कट कर लिया है। इसका छिलका निकाल लेना और हमें कट कर लेना है। तो 250 ग्राम बटाटा लिया है मैंने, 250 ग्राम टिंडा, दोनों को मैंने कट कर लिया है धो के छिलके। और ये मैंने 2 टमाटर लिया है, उसे भी काट लिया है धो के। 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे बड़ा, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चुटकी हींग लेंगे और 1/2 टेबल स्पून जीरा। और 1 प्याज लिया, उसे मैंने बारीक काट लिया है। और 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। और ये मैंने लिया है 1 तेज़पत्ता बड़ा, 2 लौंग, 2 काली मिर्च। और देखते कैसे बनता है। ये मैंने गैस को ऑन कर लिया है, गैस पे कढ़ाई रख लिया है। तो इसमें हम ऑयल डाल लेंगे 2 टेबल स्पून, और ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, और इसमें हम डालेंगे जीरा और भून लेंगे। जीरा को अच्छे से फूटने देंगे। तो ये जीरा हमारा अच्छे से फूट गया है, और इसमें हम डालेंगे हींग 1 चुटकी, और इसे भी हम भून लेंगे अच्छे से। हम भूनेंगे और इसमें हम डालेंगे प्याज, और इसे भी हम भून लेंगे। तो ये प्याज हमारा गुलाबी हो गया है, और इसमें हम डालेंगे तेज़पत्ता, लौंग और काली मिर्च, उसे भी हम भून लेंगे 1 मिनट तक अच्छे से हम भूनेंगे। तो ये मैंने 1 मिनट तक भून लिया है। अभी इसमें हम मसाले डालेंगे। गैस को मैंने एकदम कम रखा है, थोड़ा प्याज गुलाबी हो जाए उसके बाद गैस को कम कर देंगे। और इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, और इसे हम भून लेंगे। थोड़ा सा हम भूनेंगे इसे, और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और अभी हम डालेंगे इसमें टमेटो, थोड़ा सा मसाला जब पक जाए उसके बाद में इसमें टमेटो डालेंगे, टमाटर, और इसे हम भून लेंगे। और इसे मैंने पका लिया है, 2 से 3 मिनट तक हमें पकाना है, टमाटर थोड़ा गल जाए। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और उसको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसे। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमारी सब्जी टिंडे और आलू टिंडे डाल देंगे इसे हम, और उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे सारी सब्जियों को, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये मैंने अच्छे से भून लिया है इसे, और अब इसमें हम पानी डालेंगे। हमें 1.5 कप पानी डालना है। तो इसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे, और इसको अच्छे से चला लेते हैं। और गैस को मैंने कम रखा था, मीडियम। और इसको हम अभी ढक्कन लगा के पकाएंगे, थोड़ा सा पकने देते हैं, और गैस को हाई कर देंगे। तो इसे मैं ढक्कन लगा के पका लेती हूँ, और अभी हम ढक्कन हटा के देख लेंगे। तो ये अच्छे से हमारी सब्जी पक गई है, और पानी भी काफ़ी गल गया है।
सब्जियां गल गई हैं और पानी भी गाढ़ा हो गया जो हमारा ग्रेवी है। और अभी इसमें हम डालेंगे गरम मसाला और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और ये जब तक टेढ़ी और जो हमारा बटाटा है वो अच्छे से पक जाना चाहिए तब तक हमें पकाना है। और गाढ़ा हो जाए इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। तो इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है गरम मसाले को। और अभी इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, बंद कर दूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा हम ढक्कन लगा के एक दो मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। एक दो मिनट के बाद में इसे मैं सर्व करूँगी। तो ये मैंने सब्जी को एक बाउल में निकाल लिया सेम डिश में और इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे हरा धनिया से। थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। तो ये हमारी टिंडे की सब्जी बनके तैयार है। आप बनाइए इसे चावल के साथ में, चपाती के साथ में, पराठे के साथ में या जिसके साथ आपको पसंद हो आप सर्व करिए। और देखिए कितना यमी है, दिख रहा है और खाने में भी टेस्टी है। तो आप ज़रूर बनाइए और पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और फिर से मिलती हूँ मैं नई रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।